बाला भाई नमस्कार, और आप कैसे हैं? उम्मीद है कि माँ कामाख्या के आशीर्वाद से ठीक हो गए। बाला भाई, गहमर में 6 दिनों से रेल ठहराव को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आपकी उसमें उपस्थिति न होना, धरने को समर्थन न देना और अपने स्तर पर अधिकारियों के साथ पत्राचार मुलाकात न करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाला भाई, वर्ष 1994 से सार्वजनिक जीवन में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे। मैं जानता हूं आपने ऐसा भी समय देखा है जिसमें गैर तो गैर आपके अपने भी साथ छोड़ गए। फिर भी आपने अपने आप को अपने मनोबल और मेहनत के बल पर खुद को स्थापित किया। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने अपने नेचर को बदलकर समाज के साथ खुद को स्थापित किया। बाला भाई, आपके पास फोटो हो या ना हो, लेकिन मेरे पास आपके दर्जनों ऐसे काम के फोटो हैं जिसमें आपको लोगों ने अलग थलग कर दिया, लेकिन आपने फिक्र नहीं किया और अकेले ही बढ़ते चले गए और इस जनप्रेम के कारण इस मुकाम पर आ गए। बाला भाई, इस मुकाम पर आपको यानी ग्राम प्रधान गहमर के रूप में शासन ने नहीं, बल्कि आपके विगत कार्यों को देखते हुए गहमर की जनता ने आपका इस पद पर चयन दर्जनों को नकार कर किया है। धन के बहाव को अस्वीकार करके बड़ी उम्मीद के साथ किया है। बाला भाई, यदि आप भी इस धरने को राजनीति या व्यक्तिगत करार देते हैं तो मैं अखंड गहमरी आपसे पूछता हूं कि क्या ग्राम प्रधान बनने के पूर्व आपने जो आंदोलन या जन समस्या पर कार्य किए थे वह भी राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वार्थ पर थे? यदि नहीं तो फिर क्यों और किस आधार पर आप इस धरने को राजनीतिक एवं व्यक्तिगत समझ रहे हैं, जब आपने ने भी बहुत से कामों को चंद चटकों के विरोध के बाद भी जनहित में किया है? कहीं ऐसा तो नहीं जो आपका ग्राम प्रेम और समाज हित की इच्छा ग्राम प्रधान पद पाते ही खत्म हो गई, या आपने मान लिया कार्य पूरे हो गए, या अब आप ये समझ चुके हैं कि अब आपको किसी व्यक्ति या किसी समस्या को उठाने या उसके साथ रहने से क्या होगा? हमारा तो उद्देश्य पूरा, कार्यकाल समाप्ति तक बिंदास जय हिंद जय भारत यही सोच रहे हैं, या आपके जो सहायक हैं वह आपको समझा रहे हैं कि आप सरकारी आदमी हैं, आपको न जाना चाहिए और न समर्थन देना चाहिए, आप पर कार्यवाही हो जाएगी? तो आपके सहायक अव्वल दर्जे के पागल संकी और अज्ञानी हैं, उन्हें यह नहीं पता कि ग्राम प्रधान एक जनता द्वारा चयनित सरकार और जनता के बीच संबंध स्थापित करने वाली एक कड़ी होता है जो सीधे जनता की समस्या को सरकार के बीच न सिर्फ रखता है बल्कि जनता के साथ 10 कदम चलता भी है। यही नहीं बाला भाई, रेलवे धरने को लेकर ग्राम गहमर के भ्रमण के दौरान मैंने आपके सहायकों द्वारा सलाह देकर कुछ ऐसे कार्य देखे जिससे मेरा जैसा पागल भी जब आश्चर्यचकित रह गया, तो आम आदमी की बात ही अलग है। अतः बलवंत भाई, आपसे निवेदन है कि इस रेल आंदोलन को अपना सहयोग व समर्थन देकर ठहराव की समस्या को दूर कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करें, क्योंकि आप जानते हैं कि ठहराव हो न होना दोनों इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा। आगे आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेगी क्योंकि आप गहमर के आम नहीं अंगूर हैं, आज आप गहमर के सिरमौर हैं। इसलिए आपके हर अच्छे बुरे कार्यों की समीक्षा होगी, उसका यश अपयश मिलेगा। जब भी गहमर रेल के दुर्भाग्यपूर्ण दिनों की बात होगी तो आपका नाम जरूर आएगा, क्योंकि आपके कार्यकाल में ही यह घटना हुई है। बाला भाई, हम तो छोटे भाई होने के कारण आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यदि इसे आपका सहयोग नहीं मिला तो गहमर रेल का इतिहास आपको एक काले अध्याय में रखते हुए आपको माफ नहीं करेगा। अखंड गहमरी।